ईशान्य भारताचा सर्वंकष वेगवान विकास घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं औद्योगिक परिसंस्था निर्माण केली आणि अनेक धाडसी निर्णय घेतले असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. आज त्यांच्या हस्ते आसाममध्ये जोरहाट इथे थोर अहोम योद्धा वीर लचित बोरफुकन याच्या 84 फुटी पुतळ्याचं अनावरण झालं त्यावेळी ते बोलत होते. विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का विकास जरूरी है. कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सरकार की उपेक्षा सहनी पड़ी है. विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके फोटो खिंचवा ली, लोगों को गुमराह कर दिया और फिर भाग गए, हाथ खींच लिए. लेकिन मोदी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपना परिवार मानता है, इसलिए हमने उन प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करने पर फोकस किया जिन्हें वर्षों से लटकाया जा रहा था, कागज पर लिख करके छोड़ दिया गया था. आज उत्तर पूर्व में 18 नेशनल वाटरवेज हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास के नई औद्योगिक संभावनाएं पैदा हुई. हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उन्नति योजना को नए स्वरूप में इसका और विस्तार करते हुए मंजूरी दी है. देशाच्या प्रगतीसाठी ईशान्य भारताची प्रगती अत्यावश्यक आहे याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. आसाममध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 5,50,000 घरं बांधण्यात आली असल्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधलं. पंतप्रधानांनी आसाम दौऱ्याचा आजच्या दुसऱ्या दिवशी काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाला भेट दिली. पंतप्रधानांनी यावेळी आसाममधल्या चहाच्या विस्तीर्ण मळ्यांचा आणि आसाम चहाचा आवर्जून उल्लेख केला. चहाचे मळे राखणाऱ्या समुदायाच्या परिश्रमांचंही त्यांनी खास कौतुक केलं.